चुनाव के आते ही तमाम तरीके के लोग व संगठन सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में जब कोई बड़ा नेता अथवा हाई प्रोफाइल नेता चुनाव लड़ रहा हो तो उसके क्षेत्र में पहुंचकर अपनी समस्याओं को वहां की जनता के सामने परोसते। कुछ इसी तरह का मामला अमेठी में भी देखने को मिला, जहाँ पर कानपुर के लाल इमली ऊनी कपड़ों में कर्मचारियों के संगठन अमेठी पहुंचकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री व अमेठी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर कई आरोप मढ़े और मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि यदि 30 अप्रैल तक हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया तो 1 मई को मजदूर दिवस के दिन अमेठी में आत्मदाह कर लेंगे। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता रण विजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हम दोनों को 7 घंटे नजरबंद कर दिया जाता है कि हम वेतन की बात न करेंगे, पर डेली मूवमेंट चलाते हैं अखबारों के अमित पचौरी जी, सांसद जोशी जी, इवन राष्ट्रपति भी कानपुर के हैं। किसी को जरूरत नहीं है कि वो स्मृति ईरानी जी से बोले कि आप जिस विभाग के मंत्री हैं वहाँ इतनी महीने का वेतन तत्काल दे और वेतन नहीं दिया 30 तक तो अजय सिंह, ये लाल इमली यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, इन तक के कानपुर के भी अध्यक्ष हैं, ये 1 तारीख को अमेठी में स्मृति ईरानी के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, तब ये सरकार जागेगी और उसके बाद शायद मजदूरों की मौत ना हो। इसलिए ये बहने बैठी हैं आज ये चूड़ियां लेकर स्मृति ईरानी जी के कार्यालय पे, अभी पशुवार्ता के बाद जाएंगी। सुहाग का सिंदूर, सुहाग तो लुट गया, आपका सलामत रहे, हम मजदूर हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय सिंह है, मैं लाल इमली कर्मचारी भी हूं और दुर्भाग्य से मजदूरों ने हमको वहां का अध्यक्ष बनाया है। 41 भाइयों की मेरे मौतें हो गई हैं, इस कर्जों पर उनकी लाशें पहुंचाई है। आज हमारा मजदूर एक एक पैसे के लिए तड़प रहा है, बच्चों की शिक्षा बंद हो गई, लड़कियों का पढ़ाई बंद हो गया। आदरणीय हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही उनका वो है। 20 महीने से हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं है, हम अपनी बहनों को लेकर आए हैं कपड़ा मंत्री जी को एक संदेशा देना कि हमारी तो बहनों का मांग का सिंदूर 41 बहनों का उजड़ गया है, लेकिन आपका सुहाग बना रहे, यही संदेशा लेके आए हैं। और 30 अप्रैल तक हम लोगों की अगर वेतन रिलीज नहीं हुई तो 1 मई के दिन मजदूर दिवस के दिन यहाँ का आ गया अमेठी में आत्मदाह कर लूंगा। ऐसे में स्मृति ईरानी जी से क्या इस संबंध में कभी बात हुई थी? स्मृति ईरानी जी से दिल्ली में कम से कम 4 से 5 बार हम लोगों की माननीय संयोजक जी के साथ जाकर दिल्ली में वार्ता हुई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने क्या नाम है आपका? मैं आशीष पांडे, लाल इमली कर्मचारी यूनियन का संयोजक और इंटक उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज अमेठी माननीय स्मृति ईरानी जी जो कपड़ा मंत्री हैं, उनसे न्याय मांगने के लिए लाल इमली के जो मजदूर वेतन अभाव में मर गए हैं उनकी विधवा पत्नियों के साथ आया हूं, और आज 20 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है लाल इमली के मजदूरों को, बेटियों की शिक्षा खत्म हो गई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, मंगल सूत्र मजदूरों की पत्नियों का बिक गया है, बर्तन बिक गए हैं, कल्पना करिए 20 महीने की तनख्वाह ना मिले तो क्या हाल होगा। ये मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी तक 5 साल में 36 मजदूर भाजपा के शासनकाल में और 5 परिवार के लोग 41 मौतें हो चुकी हैं। स्मृति ईरानी जी, देश में रोज टीवी में बयान देना, देश भर की प्रतिक्रिया करना 2-4 दिन के लिए रोक दीजिए और पहले अपना मंत्रालय देख लीजिए जहाँ का मजदूर मर रहा है। 20 महीने का तनख्वाह BIC ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन कपड़ा मंत्रालय लाल इमली कानपुर और धारीवाल फिरोजपुर में नहीं मिली है, यही निवेदन करने आया हूँ। बहने जो मजदूरों की पत्नियां हैं, विधवा पत्नियां हैं, वो चूड़ियां
गोलियां लेकर स्मृति ईरानी को देने जा रही हैं। सिंदूर, ये हमारा सुहाग तो लुट गया है, लेकिन आपका सुहाग बरकरार रहे, सलामत रहे, हम इतने के बाद भी आपको दुआएं देने आए हैं। ऐसे में क्या आपकी मुलाकात स्मृति ईरानी से इस संबंध में कभी हुई थी? हम स्मृति ईरानी से दिल्ली में मिले हैं, माननीय महाबल मिश्रा पूर्व सांसद दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंटक के, उनके साथ मिले हैं, उसके अलावा एक बार और मिले हैं, दो तीन बार संतोष गंगवार मंत्री थे उनसे मिले हैं। अभी एक महीने पहले स्मृति ईरानी जी कानपुर गई थी और मुझे नज़र बंद कर दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। हम 20 महीने की तनख्वाह मांगने जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी रैली कानपुर में करते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास, पता नहीं लाल इमली के मजदूरों को पाकिस्तानी समझते हैं या तालिबानी समझते हैं, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया, ये अन्याय हो रहा है। स्मृति ईरानी कानपुर में आती हैं, कानपुर में दो दो मंत्री हैं, कैबिनेट के सांसद हैं ज्योति जी, महामहिम राष्ट्रपति कानपुर से हैं, और कानपुर के मजदूरों का ये हाल है, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। शायद यहीं स्मृति ईरानी जी से मुलाकात हो जाए, बड़ी बहन है, आदरणीय मंत्री जी से मुलाकात करके